सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और हम लोग एक बार आ चुके हैं एक और एनिमे की वीडियो में, जहाँ पर कि आज हम लोग बात करेंगे पांच ऐसे एनिमेस के बारे में जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। वैसे भी इस वीडियो को ज्यादा लोग नहीं करने वाला, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस वीडियो में वो एनिमेज भी रखे हैं जिनका लाइक अपकमिंग सीजन आने वाला है, मतलब कि उनका जो फर्स्ट सीजन था वो पहले आ चुका था या फिर दूसरे सीजन पहले आ चुके थे और जो नेक्स्ट सीजन है उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर फाइव की तरफ। तो हमारा नंबर फाइव पर आता है डॉक्टर स्टोन का सीजन फोर, जो कि इससे पिछला जो हमारा जो सीजन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वेल मैं फर्स्ट और सेकंड सीजन जितना तो नहीं बोलूंगा, बट फिर भी काफ़ी ठीक रहा इसका थर्ड सीजन भी। और डॉक्टर स्टोन को हम फर्स्ट सीजन से जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी हाइप क्रिएट कर रखता है, तो इस बार भी काफ़ी सही चल रहा है डॉक्टर स्टोन, बट पहले के मुकाबले थोड़े कम हो गया। बट मैं फिर भी इसे वो नहीं बोलूंगा कि भाई कोई वेट नहीं कर रहा डॉक्टर स्टोन का, भाई सभी के दिल में अभी भी यही है। तो इसी वजह से नंबर फाइव पर है। अब हम चलते हैं नंबर फोर की तरफ। तो नंबर फोर पर आता है हमारा रीजरो का नेक्स्ट सीजन, जो कि इससे पिछले एपिसोड्स और जो सीजन थे ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। वेल सभी लोगों को पता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही होता गया और अभी भी काफ़ी वेट है हम लोगों को इसके नेक्स्ट सीजन का। और एक और चीज़ थी इसके अंदर कि जो इसकी स्टोरी थी ना वो काफ़ी बार उसने टर्न लिया और वो काफ़ी सही था। और अब हमें नेक्स्ट सीजन का वेट है, मतलब भाई मुझे खुद को तो बहुत ज़्यादा है इसके नेक्स्ट सीजन का वेट, इसी वजह से नंबर फोर पर रखा है मैंने। चलो नंबर थ्री पर चलते हैं अब। और नंबर थ्री पर आता है हमारा माय हीरो एकेडमिया का सीज़न सेवन, जो कि भाई इसका भी बंदों को काफ़ी वेट है। वेल मैं सच बताऊँ ना तो माय हीरो एकेडमिया थोड़ा खोसा गया था भी, लाइक कोई बात नहीं कर रहा था इसके बारे में, क्योंकि न्यू एनिमेज इतने सही आने लगे थे कि भाई बंदे भूलने लगे अपने पुराने एनिमेज को। बट अभी भी हम काफ़ी सारे बंदों को वेट है सीज़न सेवन का माय हीरो एकेडमिया के, और काफ़ी सारी चीज़ों पर जाकर जो सीज़न सिक्स था वो ख़त्म हुआ था, तो इस वजह से भी काफ़ी बंदे चाह रहे कि जल्दी से आ जाए बस ये। और काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड भी हो गया इसे आए हुए, तो इस वजह से बंदे वेट कर रहे हैं। तो चलो नंबर टू पर चलते हैं। और नंबर टू पर आता है हमारा वन पंच मैन का सीजन थ्री, भाई इसका किसको वेट नहीं होगा, काफी टाइम बाद आ रहा है और इसके लिए ना भाई बंदे वेट कर रहे हैं, मतलब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि लाइक ये आ रहा है। तो अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा वैसे इसे आने में, बट जो इसकी खुशी थी ना कि भाई वन पंच मैन का सीज़न थ्री आ रहा है बंदों को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वैसे तुम लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे बंदे लाइक कंपेयर करते हैं गोगो वेसेस जो हमारा सैदामा होता है, उन लोगों को छपरी बोलना जब से स्टार्ट करा है ना भाई साहब, जब से लोग भूल चुके हैं कि गोगो वेसेस सैदामा भी चलता था। तो ये काफ़ी मज़ा आने वाला है सीज़न थ्री में, हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि सच में कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा सीज़न थ्री में भी, ये कुछ इंटरेस्टिंग या अलग करेंगे सीज़न थ्री में। चलो देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सीज़न काफ़ी ऐसा था कि लाइक हमारा मेन कैरेक्टर एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, इस वजह से काफ़ी मज़ा आया था। बट सीज़न थ्री में भी देखते हैं कि वैसे रहेगा या कुछ चेंज होता है। तो अब हम चलते हैं नंबर वन की तरफ, जिसका तो भाई तुम लोगों को पता ही है कि वो कौन सा है, मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है। और जो एनिमे आते हैं हमारे नंबर वन पर, उसका भाई हम सभी लोगों को वेट है, मतलब ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जो एनिमे देखता है और उसे उस एनिमे का वेट नहीं है, और वो है हमारा डेमन स्लेयर का सीज़न फोर। मतलब सीज़न थ्री का जो जैसे लास्ट किया था ना, वो लास्ट एपिसोड, जब मैं वैसे स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता, बट जो लास्ट एपिसोड था ना भाई, उसके बाद हम सबको देखना है कि क्या होता है भाई, इतना इंटरेस्टिंग था, मतलब मुझे वो देखना है अब आगे क्या होगा। तो ये सीरियस नंबर वन पर आता है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा बंदे भाई वेट कर रहे हैं मुझे लगाकर, क्योंकि भाई मुझे जल्दी से देखना है कि आगे क्या होता है इस चीज़ का। और ये अपकमिंग है, वैसे ये शायद से ये भी थोड़ा लेट ही करेगा आने में, बट कोई नहीं, आ रहा है, टेंशन मत लो। और ये एनिमेज वैसे कुछ एनिमेज थोड़े जल्दी है, कुछ थोड़े लेट हैं, बट मैंने जो मेन थे ना जिनका भाई ज़्यादा वेट है वो आ रहे हैं। और तुमसे वैसे ये जरूर से बताना, तुम्हें किस एनिमे के बारे में पता नहीं था कि इसका सीज़न आ रहा है, तो ये जरूर से कमेंट से बता देना। तो वीडियो में भी एंड कर रहा हूँ, आई नो छोटी वीडियो है, बट मैं घर हॉस्टल से घर आ चुका हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं एक्टिव रहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बिना फेस के बनाऊँ, ठीक है ना। तो वीडियो जरूर से लाइक कर दो, मेहनत को देखते हुए मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।